मोहन साहब के बताइए अभी क्या हुआ आपका प्रॉब्लम? जमीन का विवाद है सर, और इसमें जबरदस्ती कब्जा किया गया। मोहन साहब है और इनको जिनको बिक्री थी हम लोग कहाँ जाते हैं जानते नहीं है, हम लोग जबरदस्ती ज़्यादा ज़्यादा कब्जा करके बैठे हुए। इसके बाद में हम लोग हर जगह गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं। आई भी हमारे कल हम लोग यहाँ से आवाज़ से फोन करवाए कि हम लोग साथ ऐसा क्यों करें, थानेदार कुछ सुनते ही नहीं है। तो जबरन आज भैया को बंद करके रखे हुआ, कल कल 6 बजे से बंद करके रखे, बोला नहीं छोड़ेंगे खाली जाल को कमर था। तो कहाँ जाए क्या करें कुछ समझ में ही नहीं आया। उसका रिकॉर्डिंग हमारे कमर थाना पर, जहाँ जाना है जाओ, कल फोन किया फोन के लिए उठा रहा, बोला जाओ जिसको बोलना हो। हाँ एक बात, इंद्रजीत साहू बनाम महेंद्र साहू, पिताजी बनाम दोनों भाई बहन है, इंद्रजीत साहू आपका पिताजी है, परेशान महेंद्र साहू कर रहे हैं। क्या है महेंद्र साहू आपका है? उनका जमीन उनका बगल वाला कब्जा किए हुए हैं, तो वो हमारे खाली जमीन को कब्जा किए हुए हैं। अच्छा अभी भी बंद करके रखे हैं? बंद करके रखे हैं, कल शाम से बंद करके रखे हैं। नहीं छोड़ेंगे किसके नहीं छोड़ेंगे समझ नहीं आया। लेडीज कोई कुछ नहीं, हम लोग वहाँ पे मारा जा रहा है। उनका बहुत बड़ा जज बन गया हो तो ये बन गया हो। सर आप पढ़ के देखिए इसमें कहाँ पे दिया हुआ है कि कोर्ट खारिज कर दिया है केस, कोर्ट कहाँ केस खारिज किया है, आवेदन कल दे के गए थे सर। तो आज हमारे अंगुली में आवेदन लिखे नहीं है, सारा चीज लेके आए हम लोग, थाना में ही दौड़ रहे थे। कल कॉल भी करवाए तो कोई बात नहीं, किसको मेरा भाई। हेलो जय हिंद, कैसे हैं भाई? अच्छा ये तमार आप ही का थाना का एक मामला है, इंद्रजीत साहू बनाम महेंद्र साहू का एक मामला है। इसको बंद करके रखे हैं कल से? अच्छा ये लोग को मारपीट किए हैं, एक लड़की आई है, देखिए इस तरह का तो भाई आचरण नहीं होना चाहिए। तो ये लोग देखिए जनता दरबार में फरियाद लेके आए हैं, ये लोग का तकलीफ है। नहीं मेरा बात सुन लीजिए, ये लोग मेरे जनता दरबार में आया है तो ये लोग माने खुशी खुशी नहीं में आया है, ये लोग के पास तकलीफ है तब ना आए। आप देखिए ये मैं किसी भी पक्ष का नहीं हूं, मैं न्याय का पक्षधर हूं। आप थानेदार हैं, सरकार ने आपको वहां जिम्मेवारी दिया है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, और जो आरोप लगा रहा है सुन लीजिए कि जो आरोप लगा रहा है अगर ये आरोप सही है तो आप गलत कर रहे हैं। ये लोगों को न्याय दिलाइए, मैं थाना भेज रहा हूं आपके पास। थाना नहीं जाएंगे, थाना नहीं जाएंगे, जबरदस्ती एक होगा तो बंद करके हम लोग भी बंद करेंगे।
ये लोग थाना जाने से डर रहा, सब ये तो अच्छा गजब कर रहे हैं भाई, एसपी को बोलना पड़ेगा क्या? सब जगह दौड़ चुके, सब जगह से तोड़ के थक के हार गए, सब तरीका पता नहीं क्यों है। मामला तो बहुत गंभीर है, ये लोग थाना जाने में डर रहा है कि मारेगा। आप माँ पूरा कल आपके लोगों ने मारपीट किया है लोग। मामला तो गंभीर है, हम एसपी से बात करते हैं। रांची नहीं, रांची एसपी से बात, रांची एसपी से बात करता हूं। आप भाई इनके साथ न्याय करिए, ये लोग रो रही है लड़की, जबरदस्ती आप कब्जा दिलवा रहे हैं लोगों को। ये लोग तो बोल रहे हैं कि 5-10 बिल मेरा पिताजी ने बिक्री किया है। तो आप किस नियम के तहत आपने थाना में कल से बंद करके रखे हैं? और जो टॉर्चर किए हैं आप नौकरी तो छोड़ दीजिएगा, सुन लीजिए, इस तरह का बात मत करिए, ठीक है? आप कानून से ऊपर हैं क्या? आप लोगों को शोषण कर सकते हैं क्या? ये लड़की, इनको जब मैं बोल रहा हूं कि अब थाना चल जाइए तो थाना जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा, बोल रहा कि मारपीट करेगा, तो कहीं ना कहीं आप डरा धमका के ये सब काम कर रहे हैं। इसका मतलब आपका थाना में कंट्रोल नहीं है, थाना प्रभारी को बाकी लोगों को पता नहीं है। आप देखिए, ये जो जेन्युइन है, जो सही है वो करिए, लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, ठीक है? ठीक, आप लोग जाइए तो। अरे सुनो ना मेरा बात, मेरा नंबर लेके जाओ, तुम भी अगर ड्रामाबाजी नाटक कर रहे हैं तो। अरे हम बोल दे रहे हैं, तुझको तेरे ही सामने तो फोन करके दिए, सीधे जाओ, मेरा नंबर रखो, अगर फिर टॉर्चर करेगा तो लिखो 9934। कौन नहीं सुनेगा? 9934 17 जब थाना चल गया, फोन धमकाता है, उसको लगाया तो उसको छोड़ देना बोलिए वो आदमी। अच्छा एसपी से बात करिए, एसपी के बाद